तब हम भी उसी ग्राउंड में खड़े हैं भाई, वहीं पे उसी बरामदे में ना वीडियो में शूट करके गया था, फेक कैसे हो गया? और अभी अपने इस वीडियो के पहले एक वीडियो देखा, वो फेक हो गया। अभी वो जो लड़का बोल रहा है वो फेक हो गया। इसके पहले जब मैंने सेंट्रल ऑफिस में वीडियो शूट किया था तो क्या फेक था? देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला, और ये आज का बहुत ही बेहतरीन और कंफर्मेशन वीडियो हो जाएगा, क्योंकि कल कुछ लोगों ने ये बात में मेंशन किया कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिशन नहीं हो रहा है और नोटिस वगैरह क्या क्या बोल रहे थे। तो अभी आपके पीछे भीड़ दिख रही होगी, मैं चाहूंगा कि इसमें से एक दो लोग और कन्फर्म भी कर दे इस बात को। तो कौन बताएगा? बताइए यहाँ पे क्या करने आप आए हैं? सर हम यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने आए हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट सबमिट हो रहा है? हाँ हो रहा है। हो रहा है, और किस फैकल्टी में खड़े हैं भाई, बताएंगे आप? हम बीएचयू बीए आर्ट फैकल्टी में खड़े हुए हैं। और आप अपना किस कोर्स का? बीए का अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करने आए हैं? तो हमारे सबमिट हो रहा है डॉक्यूमेंट। देखिए ये लोग आए हैं और मुझे लग रहा है कि अब क्या इसके कल भी मैंने यहाँ पे ही वीडियो शूट करके डाला था, तो बाद में कुछ लोग आते हैं इसी कोर्टयार्ड में खड़े होके और प्रशासन की बोल के चले जाते हैं। मुझे एक बात नहीं समझ में आता है कि ये जो बीएचयू टाइटल यूज करते हो, पहले तो इसका कोई परमिशन नहीं देता है कोई यूज, लेकिन आप इसी टाइटल का यूज करते हो और बाद में फिर इसी परमिशन इसी टाइटल का फिर आप कुछ भी बोल के निकल जाते हो, तो ये गलत बात है। और ध्यान रखिए कि एक बात, हाँ यहाँ पे लगा हुआ है ये, थोड़ा कैमरा घुमाओ तो, ये यहाँ पे देखिए क्या लगा हुआ है, ये आपको नोटिस फटा हुआ दिख रहा है? नोटिस मैं चाहूंगा थोड़ा सा दिखाइए कि नोटिस फटा हुआ दिख रहा है। वेदांत एक मिनट, अब इधर क्लियर करो। ठीक है, तो सबसे पहले तो लास्ट डेट 31st जो है, मैंने बोला था कि एज सून एज पॉसिबल जितनी जल्दी हो सके आप इसे सबमिट कर सकते हो, तो आप अभी भी लाके अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जितनी जल्दी हो सके आप उसे सबमिट कर सकते हो। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज डू लाइक एंड डू शेयर, बाय बाय। गाइज जो अभी एक ने आपने क्लिपिंग देखी होगी, मैंने जो ऊपर शूट किया है उस बरामदे में, बेसिकली मैं इस वीडियो में अब आपको ये बात मेंशन करने वाला हूँ कि बिलीव क्या होता है, ट्रस्ट क्या होता है। आप लोग हमेशा क्या करते हो, थंबनेल से पहले पैनिक होते हो। ये मैं अपने लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे से जुड़े हैं, मैं चाहता हूँ कि उनका भरोसा ना टूटे, इन फ्यूचर वो पैनिक हो जाएं, जो मुझे 1000-2000 मैसेज आ जाए, कॉल आ जाए, मुझे भी प्रॉब्लम होती है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना थोड़ा इससे स्थिर दिमाग से बात कर लिया जाए। तो दोस्तों देखो, मैं एक बात बता रहा हूँ यहाँ पे, बात ये है कि आप लोग सबसे पहले तो थंबनेल के बेसिस पे मत जाया करो, वीडियो ओपन करके भी देखा करो, किसी का भी हो, किसी चैनल का हो, मैं किसी चैनल की बुराई नहीं कर रहा, सब मेहनत करता है, बहुत अच्छा मेहनत करता है। लेकिन दोस्तों एक बात बताओ, ये फेक है, ऐसा वर्ड यूज करने का कौन परमिशन देता है? भाई ये वर्ड तब यूज करो जब सब कोई चीज़ फेक लगे तब। हम भी उसी ग्राउंड में खड़े हैं भाई, वहीं पे उसी बरामदे में ना वीडियो में शूट करके गया था, फेक कैसे हो गया? और अभी अपने इस वीडियो के पहले एक वीडियो देखा, वो फेक हो गया। अभी वो जो लड़का बोल रहा है वो फेक हो गया। इसके पहले जब मैंने सेंट्रल ऑफिस में वीडियो शूट किया था तो क्या फेक था? या फिर जब मैंने पहली बार डेट क्लियरेंसन की वीडियो दी थी तो क्या वो फेक था? या जो ग्राउंड रिपोर्टिंग वीडियो दिया वो फेक था? या फिर मेरा चैनल फेक है? तो ये सब बकवास है, सिंपल सी बात है। और मुझे आप लोग पे भरोसा है, खुद पे भरोसा है, सिंपल सी बात है। मैं जो भी चीज़ें बोलता हूँ, मैं खुद नहीं चाहूँगा यार कि मैं इतने लोगों का भरोसा एक साथ कैसे तोड़ूँ। मैं यार बिहार, झारखंड, पंजाब, उत्तराखंड, यहाँ उतने दूर दूर लोगों को मैं परेशान करूँगा? मैं पागल हूँ परेशान करूँगा? मैं कहाँ जाऊँगा परेशान करके उतने लोगों को? मेरा तो कॉन्टेक्ट नंबर है, ऐसा मैं कभी नहीं करूँगा। तो देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ मुस्कुराते रहिए, हर एक प्रॉब्लम का सलूशन है। बीएचयू कभी भी किसी का एडमिशन कैंसिल नहीं कर सकता, और बीएचयू बहुत लिबरल है। बीएचयू की जितनी गुणगान मैं उसका अच्छाई बताऊं वो कम पड़ जाएगा, ध्यान रखिएगा। बीएचयू इतना लिबरल है, बीएचयू ने लॉकडाउन में पेपर कराया, बीएचयू ने लॉकडाउन में कोरोना के इसमें उसने काउंसलिंग कराई, आज आपका एडमिशन, और टीचर्स हमारे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, कम है हमारे लिए? हाँ, और बीएचयू का टाइटल यूज करके आज हम लोगों का सहायता कर रहे हैं, हम खुद अपना एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, ये कम है हमारे लिए? तो हम कभी भी प्रशासन को ऐसे नहीं बोलेंगे, मैं तो कभी नहीं बोलूँगा। देखो कमियाँ हर जगह होती हैं, पूरे देश में कमियाँ हैं, और अब इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी चीज़ को बोल दें कि ये गलत है, ये वाह सही है, ये सब नहीं होता है, ये बहुत गलत बात है। हमारे अंदर एक मेच्योरिटी आनी चाहिए, जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं हमें ये बातों को समझना चाहिए, और हमेशा हमें प्रॉब्लम से ही फोकस नहीं करना चाहिए, हमें ये बात भी ध्यान देना चाहिए कि सोल्यूशन क्या है। भाई आपके पास सोल्यूशन है, आप सोल्यूशन बताओ लोगों को, ये थोड़ी होता है कि आप प्रॉब्लम गिना के चले जा रहे हो, ये बहुत गलत बात है। आपके पास सोल्यूशन है, यू हैव सोल्यूशन, देन आप उसको शेयर करो लोगों को। आप प्रॉब्लम मत बताओ, प्रॉब्लम सब देखता है प्रॉब्लम, तो मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ। सोल्यूशन एक अच्छा सा है, बीएचयू पाठशाला को सब्सक्राइब करो, ट्रस्ट करो, बिलीव करो, और मेरा थंबनेल मैं ही हूँ,
मैं नहीं बिलीव करता कि मैं वो वर्ड यूज करूँ फालतू पैनिक वाले। भाई आप वीडियो प्ले करो, आपको भरोसा है कि हाँ सर ने वीडियो डाला है, अच्छा ही डाला होगा, आप देखो उसको, सब्सक्राइब करो, लोगों को जोड़ो, बताओ कि हाँ एक अच्छा चैनल है। भाई क्यों ऐसे चैनल्स को आप बार बार, अब मैं सोचता हूँ कि मैं हर किसी भी चैनल को डिनाई ना करूँ, मैं नहीं चाहता, क्यों भाई, हर कोई मेहनत करता है, मैं भी करता हूँ, वो भी करते हैं, लेकिन बात होती है ना कि यार परेशान मत करो, ठीक है, मैं भी अच्छा हूँ तो मेरे को भी बोलो कि मैं अच्छा हूँ यार, मेरे को बार बार बुरा बस बोलो ना, क्या मतलब है कि बार बार ऐसे बोल के निकल जाते हो, अच्छा नहीं लगता है आप मेरे को, तो मैं चाहूँगा कि इसका सबसे अच्छा तरीका आप लोग के ऊपर है, आप ही क्या करो ना, आप ही मेरे को खूब बढ़ाओ चढ़ाओ, थोड़ा सा मेरे सब्सक्राइबर आगे बढ़ाओ, लोगों को बोलो कि शेयर, क्योंकि भाई मैं तो अच्छा वर्क करता हूँ ना, क्योंकि मैं तो सही बात बताता हूँ, मैंने गलत बताऊँ, तो यही सब बातें हैं। तो प्लीज़ एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मुस्कुराते रहिए, लेकिन प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, पैनिक मत होइएगा, मैं हूँ यहाँ पे, जो भी प्रॉब्लम होगा उसका सलूशन होता है, ठीक है। तो जय महामना, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, मुस्कुराते रहिए।